जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है कल मॉर्निंग से, तब से अब तक कुल 13 डेड बॉडीज निकाली गई है, जिसमें 8 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। उसमें से एक पुरुष की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अब अभी भी कुल 10 लोग मिसिंग है। अभी तुरंत जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार डैम साइड से लगभग 35 किलोमीटर दूर वशिष्ठी नदी में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। अब शिनाख्त जारी है, क्या उसी इंसिडेंट से रिलेटेड है या नहीं, उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे। हाँ, तो लगता हमारे अनुसार अब तक 10 बॉडी अभी भी मिसिंग है, 10 लोग अभी भी मिसिंग है। सर, कुल मिलाकर क्या कुछ डिफिकल्टीज इस पूरे ऑपरेशन में आ रही, क्योंकि डैम से काफ़ी दूर के डिस्टेंस पे बॉडीज मिल रही है और बारिश भी कंटिन्यू शुरू है, तो क्या डिफिकल्टीज आ रही? हाँ, जैसे कि आपने खुद कहा, बारिश और जो जब डैम फूटा था उसके साथ जो मलबा आया था, जिससे मिट्टी आई थी, मिट्टी पूरी बैंक्स पे जो नदी का किनारा है उसमें भर गई है, तो उसमें सर्च करना थोड़ा मुश्किल है, बट टीम सर्च अभियान में जुटी हुई है। हाँ, इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 35 किलोमीटर दूर पे जो मृतदेह मिला है, अगर वो उसी से रिलेटेड होगा तो हमारा सर्च का एरिया जो काफ़ी वाइड हो जाता है। फिर हमें सर्च और एक्सटेंसिव भी करना पड़ेगा और दूर तक टीमें भेजनी पड़ेंगी। ये कितने दूर तक एक्सपेक्टेड है, बिकॉज़ अरेबियन सी में भी कई शायद रिवर में, अगर वशिष्ठ नदी में अगर मृतदेह मिला है तो आप जानती ही जाकर के आगे दाभोल क्रीक में मिलता है, और दाभोल खाड़ी जाकर के आगे अरेबियन सी में मिलती है। तो महाड़ ऑपरेशन का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बताता है कि फिर ऐसे बॉडीज अगर पानी वाटर बॉडी में आ जाती है बड़ी, तो बह करके समुद्र तक जाना बिल्कुल पॉसिबल है।